हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आज से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस यानी ईसीडी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाला एक सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BTUP के आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे और जो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो न्यू पैटर्न पर यानी MCQs क्वेश्चन पर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कह सकते हैं उस पर आधारित होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए जेई क्लासेस मेरठ परिवार की टीम ने इस बार भी बहुत मेहनत से आपके लिए सेमेस्टर क्लासेस तैयार की हैं, जिसमें आपको रणभूमि बैच में सभी क्लासेस जो हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैप्टर वाइज उसके MCQs आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पिछली बार आप सभी स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया और सभी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ अपने सब्जेक्ट में पास हुए और आप सभी का जो पॉजिटिव फीडबैक है और प्यार है हमें, वो आपके कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू हमें मिला, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिली। और जैसा कि जेई क्लासेस की टीम ने आप सभी से वादा किया था, इस बार भी हम आपके लिए BTUP का स्पेशल सेमेस्टर बैच स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, जो कि रणभूमि बैच है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, MCQs की PDF और ऑनलाइन टेस्ट और डाउट सेशन जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कंडक्ट कराए जा रहे हैं ताकि UP बोर्ड और CBSE बोर्ड किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। ये जो हमारा बैच है इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो MCQs क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको ये सारी क्लासेस बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको हमारा जेई क्लासेस मेरठ ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, MCQs की PDF, ऑनलाइन टेस्ट और डाउट सेशन जैसी सभी फैसिलिटीज़ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड कर लिया है वो अपने बाकी साथियों को भी ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर 1, 2 और 3 हैं, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हमने एक ही क्लास में मर्ज कर लिया। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, चैप्टर 3 है हमारा वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। तो इंट्रोडक्शन में हम अगर थोड़ी सी बात करें, सबका थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में बता देते हैं। यहाँ सारी बात होगी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी संयोजकता यानी वैलेंसी होती है 4, और इसकी वजह से इसके जो परमाणु होते हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं, या मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सभी जो परमाणु हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें शुद्ध अर्धचालक की, तो इसके उदाहरण पहले हम लिख देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं SI और GE यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन शुद्ध अवस्था में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से इनकी चालकता बहुत कम होती है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बहुत कम होते हैं। तो यदि हम इसका क्या करते हैं, तापमान बढ़ा दें और अशुद्धि मिला दें, तो हमें दो प्रकार के चालक प्राप्त होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सभी के सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो प्रयोग इनके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है,
पहला एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। इसके बारे में हम जब इसका क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है वोल्टेज और करंट सोर्सेस। वोल्टेज और करंट सोर्सेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जो कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रदान करते हैं वो वोल्टेज सोर्सेस कहलाते हैं, और इसी तरह से जो हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराते हैं वो करंट सोर्सेस कहलाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल सोर्सेस जो होते हैं उन्हें हम सर्किल की हेल्प से दिखाते हैं, और प्रैक्टिकल सोर्सेस को हम स्क्वायर की हेल्प से दिखाते हैं, जिसको हम टिल्टेड स्क्वायर कहते हैं। क्लियर। तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्स को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संकेत। तो मैंने बताया ये आइडियल का है, ये प्रैक्टिकल का। आइडियल सोर्सेज जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आइडियल सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जिनकी, अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो इनकी वोल्टेज किसी फैक्टर किसी पैरामीटर से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, और प्रैक्टिकल सोर्सेज वो होते हैं जिनके आउटपुट यानी जिनके वोल्टेज और करंट पैरामीटर से प्रभावित हो जाती है। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हम आइडियल सोर्सेज भी कहते हैं। इसी तरह से जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल सोर्सेज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपना। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्स को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संकेत कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया इंडिपेंडेंट जो होते हैं उनको हम आइडियल सोर्सेज भी कहते हैं। तो आइडियल सोर्स के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने बनाया है सिंबल, जो बनाया वो सर्किल से बनाया है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सर्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोल्ड सोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज, नियंत्रित स्रोत भी कहलाते हैं। जो कंट्रोल्ड सोर्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो कंट्रोल्ड सोर्सेस को इंडिपेंडेंट सोर्स भी या स्वतंत्र स्रोत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, एक जो प्रयोगात्मक धारा स्रोत है उसको डैश द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, मैं पहले आपके सोर्सेस की बात कर लूँ। जो हमारे सोर्सेस होते हैं, ये स्रोत जो होते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है। आप ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों के ही दो फर्दर टाइप हो सकते हैं। तो हम दोनों में ही कॉमन लाइन निकाल के बता देते हैं कि इसके भी फर्दर दो टाइप हो सकते हैं। पहला हो सकता है आइडियल सोर्सेस और दूसरा हो सकता है प्रैक्टिकल सोर्सेस। क्लियर। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। जो भी आइडियल सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सोर्स होता है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल सोर्स से ही है। तो क्वेश्चन है, अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। तो कौन से सोर्स की बात कर रहा है? करंट सोर्स। और कैसा? प्रैक्टिकल। तो प्रयोगात्मक धारा स्रोत को डैश द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स वाले हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टेज सोर्स समानांतर प्रतिरोध के साथ। तो यहाँ शब्द आया वोल्टेज सोर्स, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। वोल्टेज सोर्स की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? धारा स्रोत की, यानी करंट सोर्स की। ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, और सी है रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स। यानी ऑप्शन बी हिंदी में है आदर्श धारा स्रोत समानांतर प्रतिरोध के साथ, हो सकता है। और ऑप्शन सी कह रहा है आदर्श धारा स्रोत श्रेणी प्रतिरोध के साथ। तो ऑप्शन बी सही है, हम प्रैक्टिकल सोर्स को एक आइडियल सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स। देखिए, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में अभी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं,
एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव। एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय और पैसिव को कहते हैं आक्रिय या निष्क्रिय। ठीक है, तो इनको कहते हैं आक्रिय या निष्क्रिय। आपको याद रखना है जितने भी जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, जिसमें कि हमारा FET, BJT ये सब आते हैं, BJT, FET, MOSFET, ये सभी के सभी हमारे क्या आते हैं, एक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आएंगे? एक्टिव की। जबकि जैसे हमारा रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब जो होते हैं हमारे, ये पैसिव की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ लिख देते हैं पैसिव। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैसिव एलिमेंट। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नल में कोई चेंज नहीं करते, जैसा इनको सिग्नल दिया जाता है उसको एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं, और ये अपनी खुद की एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जबकि एक्टिव कंपोनेंट इसके विपरीत होते हैं, ये अपने ये सिग्नल में चेंज प्रोड्यूस करते हैं और खुद की एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैसिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक है? तो FET आप देख पा रहे हैं एक्टिव की कैटेगरी में है, UJT भी हमारे एक्टिव की कैटेगरी में आता है, डायोड भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा जो कि है रजिस्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिप्रेजेंट पैसिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन की जो कंडीशन है वो हमारी पैसिव कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिखे हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT, तो BJT तो हमारे एक्टिव की कैटेगरी में आता है। FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी हमारे एक्टिव की कैटेगरी में आता है। इंडक्टर हमारा पैसिव की कंपोनेंट की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध कायिक रूप से बड़ा होगा? फिजिकली लार्जर होने का मतलब है, यानी कायिक रूप से बड़ा होने का मतलब है किसका जो साइज है वो बड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना हमेशा, जिस रजिस्टर का पावर कंजप्शन कितना होगा, अधिक होगा, उसी रजिस्टर का साइज भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जिस रजिस्टर का पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा यानी वोल्टेज ज़्यादा होगी, जिसकी वोल्टेज अधिक होगी वो ही सबसे बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ओम में दिया है 10 ओम, ये 100 ओम, ये 1 किलो ओम, ये 10 मेगा ओम। और पावर की बात करें तो सबसे बड़ी पावर किसकी है? 50 वॉट। तो ऑप्शन ए हमारा, जो कि 10 ओम 50 वॉट का रेजिस्टेंस है, वो सबसे फिजिकली बड़ा होगा। विद एप्रोप्रिएट बायसिंग द ट्रांजिस्टर कनेक्शन शोन इन फिगर कैन बी यूज्ड एज। उपयुक्त अभिनति के द्वारा दर्शाया गया ट्रांजिस्टर कनेक्शन निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो हम ट्रांजिस्टर कनेक्शन दिखा देते हैं। या हमने एक ट्रांजिस्टर बना दिया, ये इसका बेस टर्मिनल, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल, ये इसका एमिटर टर्मिनल, और यहाँ हमने इसमें बायसिंग लगा दी कुछ इस तरह से। तो आप देख लीजिए, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर हालांकि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ट्रांजिस्टर जो है ऐसी डिवाइस है जिसके कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, और इसकी 3 ही क्या होती हैं, लेयर होती हैं, यानी परत होती है। ठीक है, इसकी 3 परतों के नाम होते हैं एमिटर, कलेक्टर और बेस। तो पहली परत हो जाएगी एमिटर, फिर दूसरी परत हमारी बेस, और ये हो जाती है लास्ट वाली कलेक्टर। तो इनसे टर्मिनल बाहर निकले होते हैं जिन्हें एमिटर, बेस और कलेक्टर, इनकी परत के नाम पर ही इनके टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो है 2 प्रकार का हो सकता है संरचना के आधार पर। पहला PNP, यानी जब 2 परत साइड वाली P हो और बीच वाली परत क्या हो, N। और दूसरा हो सकता है हमारा NPN, यानी जब दोनों परत साइड वाली N हो और बीच वाली क्या हो, P हो। NPN का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और PNP का सिंबल हमारा एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अंदर की तरफ होती है। तो इसको याद रखने का तरीका होता है कि जब एरो P रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो PNP, और एरो बाहर की तरफ निकाल रहा है तो NPN। तो
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर गिवन है वो NPN ट्रांजिस्टर है, और इसके तीनों टर्मिनल जो होते हैं एक बायसिंग इसके बीच लगाई जाती है और एक बायसिंग इसके बीच, यानी हमें दो बायसिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस चित्र में कि एक ही बायसिंग लगी है, तो यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि तीनों परत पर बायसिंग नहीं लगी, केवल दो ही परत पर लगी है, एक पी पर और एक एन पर। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो डायोड की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अक्रिय तत्वों की पहचान कीजिए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता लग पा रहा है कि इंडक्टर जो है वो पैसिव की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए एक सपने के साथ आए होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जेई बनने का सपना होगा, तो आप सभी के सपने को साकार करने के लिए जेई क्लासेस मेरठ परिवार की टीम ने इस बार भी आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें एडमिशन आपके ओपन हो गए हैं। इसमें SSC जेई, UPPCL जेई, UP SSS जेई जैसे बहुत सारे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। ये सभी कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए भी उपलब्ध हैं। इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट की फैसिलिटी, डाउट क्लियरिंग सेशन और सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। जो स्टूडेंट बहुत दूर से हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी हमारे यहाँ अरेंज कराई जाती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुके हैं और उनकी ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छी रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग पॉलिटेक्निक से थे और अलग अलग ब्रांचेस से थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में जैसे कि रेलवे में, UPPCL में, इरिगेशन में, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर, जेई की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हो गया है और वो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे हैं। तो आई होप हो सकता है कि आप में से किसी स्टूडेंट का नाम और इमेज यहाँ पर आ जाए आने वाले टाइम में। तो आप सभी अपने सपने को साकार करने के लिए अभी से मेहनत में जुट जाएं और कॉम्पिटिटिव की तरफ भी अपना रुख कर लें। कॉम्पिटिटिव बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टू सिरेमिक कैपेसिटर्स हैव द फॉलोइंग पैरामीटर, वन हैज कैपेसिटेंस C1 एंड सिरेमिक थिकनेस D1, द अदर हैज कैपेसिटेंस C2 एंड सिरेमिक थिकनेस D2। When the two are connected in parallel, the combination has a capacitance of, ये कह रहा है दो कैपेसिटर है, एक की वैल्यू है कैपेसिटेंस की C1, दूसरे की है C2। पहले कैपेसिटर की थिकनेस है D1 और दूसरे की है D2। दो सिरेमिक संधारित्र हैं जिनके कुछ पैरामीटर दिए हैं, पहले की कैपेसिटेंस C1 और चौड़ाई D1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 और दूसरे की चौड़ाई दी है D2। दोनों को समानांतर में संयोजित किया गया है। देखिए दो कनेक्शन हो सकते हैं जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, तब हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। और जब हम इनको पैरेलल में संयोजित करते हैं यानी कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं C1 C2 को, ये C1 ये C2, तब टोटल कैपेसिटेंस = हो जाता है दोनों के सम के, यानी समानांतर के लिए पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा यानी समानांतर, तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे हो C = C1 + C2, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के पास होना चाहिए, जो भी मैंने कहा था सोर्सेस हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल सोर्सेस को हम अगर बात करें वोल्टेज सोर्स की ही, तो वोल्टेज सोर्स हमारे आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के हो सकते हैं। आइडियल सोर्स को सर्किल से और प्लस माइनस के साइन से, प्रैक्टिकल सोर्स को हम स्क्वायर से और इसमें भी प्लस माइनस का साइन बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो आइडियल सोर्स जो होता है करंट सोर्स, उसमें हम सर्किल और अंदर एरो का निशान दिखाते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल सोर्स होता है करंट सोर्स, उसमें हम टिल्टेड स्क्वायर दिखा के इसमें भी अंदर एरो का निशान बनाते हैं। तो
तो आपका ये क्वेश्चन ये सिंबल में भी इससे भी आ सकता है, हो सकता है आपको सिंबल दिखा दिया जाए चित्र में और पूछा जाए कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, आइडियल है या प्रैक्टिकल है, तो आपको इनकी पहचान करनी भी आनी चाहिए। हालांकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी उसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध शुड बी जो उसका सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, शून्य स्रोत प्रतिरोध इसका होना चाहिए। हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद, ऊष्मा सिंक आमतौर पर निम्न के साथ लगाया जाता है। देखिए हीट सिंक क्या होता है, ऊष्मा सिंक क्या, हीट सिंक इसको कहते हैं क्या होता है, ये किसी ऐसे पदार्थ का बना होता है जो ऊष्मा का क्या हो, चालक हो, ऊष्मे चालक हो यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, जैसे कि एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसकी ऊष्मे चालकता अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये क्या करता है हीट को अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसको अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, विसर्जित भी आसानी से कर देता है यानी डिसिपेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन में सभी में ट्रांजिस्टर दिया है, पहला बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी आपको ये तो पता चला कि ट्रांजिस्टर से संबंधित है सारे ऑप्शन। तो ट्रांजिस्टर में हमने बताए थे तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, तो एमिटर साइड जो टर्मिनल होता है एमिटर, बेस साइड जो टर्मिनल होता है बेस, और कलेक्टर साइड जो होता है उसे हम कलेक्टर टर्मिनल कहते हैं। तो कलेक्टर पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है और कलेक्टर की ऊष्मा को कम करने के लिए ही हम हीट सिंक का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के संग्राही पर हम हीट सिंक का उपयोग करते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर, आदर्श वोल्टेज स्रोत एक आदर्श कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा वो किसी कैपेसिटर को तुरंत ही चार्ज करेगा यानी इंस्टेंटेनियसली चार्ज करेगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तुरंत ही चार्ज करेगा। व्हाट इज द कलर कोड फॉर 220 ओम 5% रेजिस्टर। देखिए किसी भी रेजिस्टर में ना कई सारे बैंड बने होते हैं, अगर आपने देखा हो रेजिस्टेंस में बहुत सारे बैंड बने होते हैं, अधिकतर तीन या चार बैंड बने होते हैं। पहला बैंड जो होता है वो इकाई के अंक को यानी यूनिट प्लेस सॉरी टेंस प्लेस को, ये मैंने गलत लिख दिया, दहाई होगा यहाँ पर, दहाई के अंक को यानी टेंस प्लेस को, ये इकाई के अंक को, ये 10 की घात को 10 की पावर x को, और ये दिखाता है टॉलरेंस को। ठीक है, तो इसकी कोडिंग कैसे हो सकती है, नंबर जो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हो सकते हैं। इनके लिए कलर होता है BB RO Y BB RO Y GV GW। इसको याद रखने का तरीका होता है BB रॉय, जी की BV गोरी वाइट। अब यहाँ B से मतलब है ब्लैक, ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और लास्ट में है वाइट। ठीक है, तो हम अपने और इसके बाद एक और चीज़ है जो चौथा बैंड होता है टॉलरेंस बैंड, उसकी भी बात कर लेते हैं। टॉलरेंस बैंड के तीन कंडीशन हो सकती है, सिल्वर हो सकता है बैंड, गोल्डन हो सकता है, या तीसरी कंडीशन हो सकती है नो बैंड, चौथा बैंड अवेलेबल ही ना हो।
तो गोल्डन का मतलब है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होगी, सिल्वर का मतलब है प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होगी, और नो बैंड का मतलब है प्लस माइनस 20% टॉलरेंस होगी। किसी रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कम से कम होनी चाहिए, यानी उसकी वैल्यू में वेरिएशन से संबंधित है ये, कि उसकी जो मान है वो कितना वेरी कर सकता है। तो यहाँ आप देखिए आपका क्वेश्चन रेड रेड 220 हम देखते हैं वैल्यू क्या है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 220 ओम, तो 220 और दिया है प्लस माइनस 5%, तो ये दहाई का अंक 2 मतलब रेड, दूसरा 2 भी मतलब रेड, और तीसरा बैंड मैंने कहा था 10 की पावर यहाँ 10 है यानी 10 की पावर 1, तो 1 किसके लिए है, ब्राउन के लिए, तो ये हो जाएगा ब्राउन, और दिया है 5% यानी बैंड कैसा हो जाएगा गोल्डन, तो रेड रेड ब्राउन गोल्डन। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला दिया है रेड रेड ब्राउन गोल्ड, सही है, ऑरेंज ऑरेंज बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आ गया रेड रेड ब्राउन गोल्ड। तो ये कलर कोडिंग जो होती है ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि रजिस्टर इतना छोटा कंपोनेंट होता है उस पर उसकी रेटिंग लिख पाना आसान नहीं होता, तो उस पर कलर बैंड बनाए जाते हैं अलग अलग रंग के, जिन्हें देख कर उसकी वैल्यू की पहचान की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइसेस, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल निष्क्रिय डिवाइस का है। तो देखिए रजिस्टर है, ठीक है निष्क्रिय है, कैपेसिटर ठीक है, इंडक्टर भी निष्क्रिय यानी पैसिव में आता है, FET नहीं आता, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए रजिस्टर पैसिव में आता है, ठीक है कैपेसिटर भी पैसिव में आता है, ठीक है इंडक्टर भी पैसिव में आता है, लेकिन ट्रांजिस्टर पैसिव में नहीं आता, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में पहला ही दे रखा है डायोड, तो डायोड तो आता ही नहीं पैसिव के कंपोनेंट में, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा जिसमें दिया है ट्रांसफॉर्मर रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, ये सभी पैसिव कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स बस इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, हम आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 4 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगली क्लास में आप ज़रूर आएँ। और आप सभी ने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही ऐप को डाउनलोड कर लें, और आप सभी जो ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं वो अपने सभी साथियों को क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में शेयर कीजिए। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।